दोस्तों अभी अभी एल्विश यादव का ये एक नया वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें एल्विश यादव बड़े ही दुखी मन से जो है अपनी माँ के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो शब्द बोले बहुत दुखी हैं और मनीषा रानी से माफ़ी मांगी है। आपको बता दूं कल के इवेंट के बाद मनीषा रानी ने जैसा कहा कि उनकी माँ ने उनके बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए थे, इस वजह से वो काफ़ी दुखी थी। लेकिन अब एल्विश यादव ने सामने से आकर उस बात को क्लियर कर दिया है और माफ़ी भी मांग ली है मनीषा रानी से, अगर उनको बुरा लगा हो तो। मनीषा रानी के लिए उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने कोई भी अपशब्द नहीं कहे, वो सिर्फ एक मजाक कर रही थी। कि मनीषा रानी बहुत ही खुले दिल की लड़की है, बहुत मजाक करती है, सभी से उसका रिश्ता ऐसा ही रहता है और ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत कहा हो। वेल, जो एल्विश यादव थे वो मन से दुखी थे, वो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी की इज्जत नहीं करते, उन्हें सभी की इज्जत करना आता है, बड़ों की इज्जत करना आता है, इसीलिए उन्होंने फिर से आकर यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया है। वेल, अब लगता है कि मनीषा रानी जो है मान जाएंगी। आपको क्या लगता है कमेंट करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।